हेलो एवरीवन मैं विनय उपाध्याय पर कर रहा हूँ और हम लोग करेंगे इस वीडियो में भारतीय संस्कृति यानी कि इंडियन कल्चर से संबंधित 200 महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो 100 परसेंट एक्सपेक्स एक्सपेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी तरह के एग्जाम्स में और एक सिंगल वीडियो इस इसको आप अगर आप देख लेते हो मतलब इस पूरा कम्प्लीट वीडियो को और सभी दो प्रश्न आप बना लेते हो ऑब्जेक्टिव तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न आपका भारतीय संस्कृति से छूटेगा इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपकी जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं जितने भी नृत्य होते हैं जितने भी मंदिर वगैरह जो होते हैं तो उन तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे इसको आप मिसलेनियस चैप्टर में भी रख सकते हो ये हिस्ट्री का भी पार्ट आता है तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं पहले खुद से प्रयास करिएगा चार ऑप्शंस रहेंगे और आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछूँगा चलिए पहला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है चार ऑप्शन से पहले खुद से प्रयास करिए अगर दोस्तों प्रश्न मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा अगर आपको समय लेना है तो आप वीडियो को रोक रोक के आंसर कर सकते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा जयपुर हाथी महोत्सव प्रतिवर्ष जयपुर में मनाया जाता है इसमें हाथियों को सजा धजा कर बेसिकली महोत्सव में लाया जाता है मे दम मे फाई किस प्रदेश का ये त्यौहार है मे दम मे फाई ये मनाया जाता है असम में मेदम मे फाई असम के ताई अहोम जनजाति का त्यौहार है ताई अहोम अपने पूर्वजों के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं और पारंपरिक तरीके से भगवान को बलिदान देते हैं नेक्स्ट गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो इसकी जो है उत्पत्ति हुई है शारदा लिपि से ठीक है आठवीं शताब्दी के आसपास विकसित स्क्रिप्ट के ब्राह्मण परिवार की एक लिपि है यह संस्कृत और कश्मीरी भाषा के लिए प्रयोग की जाती थी गुरुमुखी के बारे में आपको पता होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अंगद द्वारा गुरु अंगद जो थे उनके द्वारा विकसित किया गया था और ये भी शारदा लिपि से ही विकसित हुई है अभी यह काश्मीरी पंडितों द्वारा प्रयोग किया जाता है तकरारी या टैंकरी जैसे पारदा लिपियों के कई रूप हैं तो आप बेसिकली जो है गुरुमुखी डोंगरी सिंधी ये जो लिपि है इसकी उत्पत्ति शारदा लिपि से हुई है अगला प्रश्न है, छान पूरा कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है तो यह है केरल का एजु थचान पूरा पूरा कारम जो है केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है बासो श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है कर्नाटक द्वारा दिया जाता है बासो श्री पुरस्कार सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण जो भारत की धरोहरों स्मारक की देखभाल के लिए बनाया गया है इसके चेयरपर्सन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है नेक्स्ट तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये स्थित है नई दिल्ली में किला राजपिथौरा नई दिल्ली में है नेक्स्ट चिश्ती सिलसिला का एक सूफी सिलसिला है जो चिस्त कस्बे से शुरू हुआ और चिस्त कस्बा कहाँ स्थित है तो ये बेसिकली स्थित है अफगानिस्तान में ठीक है चिश्त कस्बा अफगानिस्तान के हिरांत प्रांत में स्थित एक कस्बा है इसकी स्थापना 930 सौ ईस्वी में अबू इसाक समी ने की थी ठीक है चिश्ती सिलसिला के बारे में आपने सुना होगा कि भारत में स्थापना जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी इस सिलसिले के अन्य प्रमुख संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरीदुद्दीन गज निजामुद्दीन अलिया अलाउद्दीन अली अहमद सबीर कल्यारी ये सब थे द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है दूसरा बुद्ध तो ये कहा जाता है पद्म संभव को दूसरा बुद्ध कहा जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी तो ये बहुत ही पहले से दिया जा रहा है नाइनटीन सिक्सटी नाइन से ही दिया जा रहा है फिल्म जगत का एक बड़ा पुरस्कार है और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि दो हज़ार उन्नीस में ये अवार्ड किसे दिया गया है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ तो अगला प्रश्न है इसका आंसर करिए क्वेश्चन है हर साल रमजान पिछली साल से कितने मतलब कि दिन पहले या कितने दिन बाद होता है ये बताइए तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा होगा ऑप्शन नंबर जो है आपके पास ऑप्शन ग्यारह दिन पहले ग्यारह दिन बाद सत्रह दिन पहले तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग्यारह दिन पहले ठीक है अगला कि के के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान के बारे में कौन सा कथन सही है पढ़िए चारों ऑप्शंस को और बताइए कौन सा कथन सही है तो देखिए इसमें सही है वो है ऑप्शन नंबर सी वन टू थ्री मतलब यह पुरस्कार वार्षिक है ये भी सही है जूरी की अध्यक्षता में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं ये भी सही है यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है ये भी सही है ठीक है और अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि सभी भाषाओं में दिया जाता है तो ये गलत है क्यों क्योंकि ये बेसिकली जो है मतलब कि जो दोहर मतलब बाईस भाषाओं में ये दिया जाता है बेसिकली ठीक है दोहर पाँच से ही जापानी कला इके बाना संबंधित है ये भी प्रश्न आता है ये संबंधित है फूलों के सजावट फूलों से सजावट इके बाना एक जापानी कला है जो फूलों से सजावट से संबंधित है भगत आंदोलन भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है ये संबंधित है भील जनजाति से भगत आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है जो राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है जब कोई भील जगत हो जाता है तो उससे जो है मांस अंडे शराब का त्याग करना पड़ता है वो दहेज भी स्वीकार नहीं करता है ये आंदोलन लगभग तीन सौ साल पुराना है और राजस्थान के माओ सबसे पुराने भगत थे उनके राजस्थान के बांसवाड़ और डुंगरूपुर जिले में काफ़ी अनुवायु हैं एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है ये प्रश्न है तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट से संबंधित है इन्हें बेसिकली उन्नीस में नाइनटीन में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया था केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है स्थित है मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान नेक्स्ट है भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन हैं तो बिठ्ठल इसका सही जवाब होगा भारतीय संगीत में अभंग बिट्ठल भगवान के भजन हैं प्रथम अभंग संत तुकाराम ने गाया था भारतीय मूल के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का नाम एरुशेलम भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है तो दिए गए ऑप्शंस में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी ठीक है नेक्स्ट नृत्य रूप लटापद किस नृत्य से संबंधित हैं तो ये संबंधित है भारत भारतनाट्यम से ठीक है लटापद जो है भारत भारतनाट्यम से संबंधित हैं प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है भीमा देवी मंदिर स्थित है हरियाणा में भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है ये हरियाणा जिले के पंचकूला जिले में है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं ये तो आपको पता होना चाहिए ठीक है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फिफ्टी फोर फिफ्टी फ़ोर हैं ठीक है अंग्रेजी में छब्बीस होते हैं नेक्स्ट हैं भारतीय पुरातत्व तो सर्वेक्षण दिसंबर दो हज़ार तीन से तामोम मंदिर की बहाली के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके लिए काम कर रहा है तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर है इंडोनेशिया भारतीय पुरातत्व तो सर्वेक्षण दिसंबर दो हजार तीन से ताप्रमोम मंदिर की बहाली के लिए इंडोनेशिया देश के लिए मतलब काम कर रहा है नेक्स्ट तिब्बती बौद्ध धर्म में चेरेंजिंग शब्द किससे संबंधित हैं इस शब्द का मतलब होता है औ की तेस्वर चैरेंजिंग का मतलब नेक्स्ट रिगॉन थुपटेन मनोविज्ञान मठ कहाँ हैं तो रिगोन जो है थुपटेन मनोवैज्ञानिक मठ ये बेसिकली उड़ीसा में है जिसका उद्घाटन दलाई लामा ने किया था 2010 में अगला है कि रूमटेक मठ कहाँ स्थित है तो ये स्थित है सिक्किम में रूमटेक मठ को धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है ये सिक्किम की राजधानी गैंगटोक के पास है दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के निम्नलिखित उप स्कूलों में से किसके अस्थाई प्रमुख हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गेलु गेलुगुप्पा ठीक है नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है तो ये दिया जाता है चौबीस भाषाओं की लेखकों को इसमें हिंदी है अंग्रेजी उर्दू असमी संस्कृत बंगाली बोडो डोगरी गुजराती कन्नड़ कोकड़ी कश्मीरी, मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी नेपाली उड़िया पंजाबी राजस्थानी संथाली सिंधी तमिल तेलुगु ये टोटल चौबीस भाषाएं हैं निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों की धार्मिक किताब गुरु गुरु मतलब धार्मिक की किताब गुरु ग्रंथ साहिब को निश्चित किया और यह निश्चित किया कि यह पुस्तक सिखों की स्थाई गुरु होगी ये भी प्रश्न आता है तो जो सिखों के दसवें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के दसवें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि गुरु ग्रंथ साहिब ही अब गुरु होंगे इसके बाद अब कोई गुरु नहीं होगा मतलब गुरु ग्रंथ साहिब ही स्थाई गुरु होंगे भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ तो गायक का नाम है गौहर जान भारत में सबसे पहले राग जोगिया के ख्याल गायक गौहर जान का 1902 में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता किस प्रदेश से थे तो ये थे केरला से और पहली बार किन्हें दिया गया था उनका नाम भी आपको याद होगा जी शंकर कुरूप नाम था उनका और नाइनटीन सिक्सटी फाइव में मिला था और ये वो मलयालम के लेखक थे चलिए अगला प्रश्न है ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है तो ये जो डांस है वो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान तेराताली राजस्थान का एक डांस है इसमें महिलाएं जो है डांस के समय तेरह जगह पर मजीरे बांध लेती हैं वाटसन के होटल या एसप्लोनेड हवेली जो भारत की सबसे पुरानी जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग है ये किस शहर में स्थित है तो वाटसन के होटल ये स्थित है मुंबई में ठीक है नेक्स्ट है दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म रीति है तो यह अरुणाचल प्रदेश का दोनी पोलो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित इसका अर्थ है सूर्य और चंद्रमा निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं हैं ये बताना है चार ऑप्शन से तो महाराष्ट्र में नहीं है वो है बाघ की गुफाएं। अब ये बाघ की गुफाएं कहाँ हैं महाराष्ट्र में नहीं है तो ये एमपी में हैं एम को ऐसे भी बोला जाता है टाइगर स्टेट तो आपको याद होगा बाघ ठीक है दलाई लामा को किसका पुनर्जन्म माना जाता है तो दलाई लामा को बेसिकली अलोकितेश्वर का पुनर्जन्म माना जाता है नेक्स्ट है निम्नलिखित में क्या नागर द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं हैं तो वो है जो है मंदिर निर्माण की तीन भारतीय शैलियाँ हैं ये जो है नागर द्रविड़ और वेसरिय मंदिर निर्माण की तीन शैलियाँ हैं ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में हैं ये उड़ीसा में है, है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा कहते हैं इसमें बताना है कि मतलब कि ये सब क्रमशः किन प्रदेशों में हैं ये जो तीनों ऑप्शन हैं खुदाबक्श ओरिएंटल पुस्तकालय तिब्बती कार्यों और अभिलेखों का पुस्तकालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय चार ऑप्शन से इसमें बताइए किस में हैं तीनों ये क्रम में बताना है तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो खुदाबक्स ओरिएंटल का पुस्तकालय है जो है बिहार में है तिब्बती कार्यों और अभिलेखों का पुस्तकालय हिमाचल प्रदेश में और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में है ठीक है चलिए नेक्स्ट है कि केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जम्मू कश्मीर के लेह में है ऐसे जम्मू कश्मीर के लेह तो अब अलग हो गया ना वो लद्दाख में अब आ जाएगा लद्दाख की टी में नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि चिन्नाय पुन्नाह पुन्याह और शिवानंदम और वादी वल्लू भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित शिक्षक और संगीतकार थे तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भारतनाट्यम के ये सब शिक्षक और संगीतकार थे संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है संत कबीर तो कबीर क्या थे वो बुनकर थे बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है संत कबीर सम्मान बुनकरों को दिया जाता है दरभंगा महल किस प्रदेश में है अब नाम है दरभंगा तो दरभंगा एक ज़िला भी है बिहार में अब मत समझिएगा कि समझिएगा कि बिहार ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बिहार रहेगा भी ऐसे है ये उत्तर प्रदेश में दरभंगा महल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है लेह संघे खबाबास त्यौहार का पुराना नाम क्या है इसका पुराना नाम है सिंधु दर्शन अब नया नाम ये है लेह संघे खबाबास त्यौहार दो तो हज़ार नौ के उत्तरार्थ में केंद्र सरकार द्वारा जी ए आई यानी भौगोलिक संकेत मान्यता प्राप्त एक अद्वितीय बुनाई शैली लिया साल को मान्यता दी गई यह किस प्रदेश से संबंधित है जी आई टैग की यहाँ पर बात हो रही है जो जियोग्राफिकल इंडेक्स होता है और यहाँ पे बात हो रही है जो है तांग तांगलिया साल तो इसको जी आई टैग जो है कहाँ की है गुजरात इसका सही जवाब होगा मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है तो स्थित है पुंडुचेरी में मैत्री मंदिर इस कौन के स्थापना कब हुई थी तो इसका स्थापना हुआ था 1966 सिक्सटी सिक्स में इसकॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ होता है इसकी स्थापना 1966 सिक्सटी सिक्स में न्यूयॉर्क में हुआ था जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिरों का शहर किन राजाओं ने बनवाया तो इसे बनवाया था प्रतिहार ने ओसिया का शहर प्रतिहार राजपूत राजाओं ने विकसित किया था नेक्स्ट एमरोल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है तो स्थित है थाईलैंड में एमरोल्ड बुद्ध का मंदिर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में है अब यहाँ पे बताना है ये तीन नाम दिए गए हैं महावीर जयंती बुद्ध पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा निम्नलिखित में से कौन ग्रीगेरियन कैलेंडर के एक ही वर्ष में पढ़ते हैं तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वन एंड टू मतलब महावीर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा महावीर जयंती मार्च या अप्रैल मार्च में और बुद्ध पूर्णिमा जो है अप्रैल मई में और गुरु नानक जयंती जो है गुरु पूर्णिमा जिसको बोलते हैं बेसिकली पड़ता है नवंबर में ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कल्लोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली में से आंदोलनों में से एक का नाम था तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बांग्ला ठीक है अगला है प्रिंस ऑफ भांगड़ा किस गायक को कहा जाता है तो ये कहा जाता है सुखबीर को सुखबीर पंजाबी गायक को प्रिंस ऑफ भांगड़ा कहा जाता है भांगड़ा एक भांगड़ा एक डांस है पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है यंत्र पूजा किसने किया जाता है ये तो आपको पता होगा मसीन वगैरह का गाड़ी घोड़ा का ये सब का पूजा होता है इसमें विश्वकर्मा जयंती इसमें को यंत्र पूजा के रूप में भी मनाया जाता है निम्नलिखित में से क्या कबीर की रचना है दिए गए ऑप्शंस में से बताना है तो कबीर ने इसमें से लिखा है बीजक ठीक है कबीर की रचना बीजक है जिसके तीन भाग हैं इसके तीन पार्ट्स होते हैं साखी सबद और रमैनी ठीक है नेक्स्ट है भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसे शिव तांडव स्रोत का जो है गायक था तो शिव तांडव स्रोत ये गाया था बेसिकली रावण ने मतलब ऐसा माना जाता है कि शिव को खुश करने के लिए शंकर भगवान को इसने ये गाया था उसके बाद उसे बर वरदान वगैरह सब मिला था और बहुत शक्तिशाली हो गया था निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथक कली कहा था तो इस डांस का नाम है ओटाम थुलाल ओटाम थुलाल एक केरल का नृत्य है इसे अठारहवीं सदी में कुंचन नंबियार ने स्थापित किया था राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार देती है तो ये देती है मध्य प्रदेश की सरकार साहित्य के क्षेत्र में नेक्स्ट अगला प्रश्न की बारहवीं शताब्दी के निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा चालुक्य मंदिर कलापुर में उगते सूरज का सामना करने के बजाय पश्चिम में सामना करने वाले चालुक्य निर्माण में मानक नियम का अपवाद है तो इसमें एक्सेप्शन है ये सिद्धेद्वर मंदिर हावेरी कर्नाटक का जितने भी उस समय मंदिर बने थे सबका जो दरवाजा था पूर्व की तरफ खुलता था लेकिन ये एकमात्र ऐसा मंदिर बना जिसका दरवाजा पश्चिम की ओर खुलता है हरिश्चंद्र 1944 को प्रोड्यूस किसने किया था ये पहली मूवी थी इसे प्रोड्यूस किया था ए बी ने नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रंगनाथ स्वामी मंदिर ठीक है दुनिया का अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा मंदिर तो कंबोडिया का मंदिर है और भारत में पूछा जाएगा तो रंगनाथ स्वामी मंदिर आपको बताना है ठीक है नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी महाराजा रंजीत सिंह ने यह किया था नेक्स्ट है पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहां स्थित है तो ये स्थित है कराची में पाकिस्तान में एकमात्र स्वामीनारायण मंदिर कराची में है कर्नाटक के प्रसंग में हल्ले गन्नड़ क्या है तो हल्ले गन्नड़ बेसिकली एक भाषा है जो पाँचवीं सदी में आधुनिक कन्नड़ में परिवर्तित हो गई थी इसी हल्ले गन्नड़ से कन्नड़ बना था अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है तो ये बेसिकली जो है पारसी लोगों का है अग्नि मंदिर का पूजा करते हैं पारसी बागेश्वरी कमर की स्वाद यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक हैं तो ये सहनाई की हैं बागेश्वरी कमर सहनाई वादक मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था तो इसको बनाने में यूज किया गया था लाल बलुआ पत्थर को कुशान काल में ये विकसित किया गया था मथुरा का कला स्कूल भारतीय कथाओं के अनुसार धूम्र वर्ण किसका अवतार है तो धूम्र वर्ण बेसिकली ये अवतार माना जाता है गणेश का ठीक है गणेश भगवान जो है उनके निम्नलिखित में से किसकी स्थापना आजाद भारत ने पहले शिक्षा मंत्री और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी किसकी स्थापना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद ने की थी तो ये है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इसका सही जवाब होगा इसका स्थापना किया गया था नाइन्थ ऑफ अप्रैल 1950 को इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है यक्षगान किस प्रदेश का लोकनाटक है ये भी प्रश्न आता है तो यक्षगान है कर्नाटक का लोकनाटक नेक्स्ट है महाभारत का कौन सा अध्याय कौरव और पांडवों के बीच शांति लाने के लिए निष्फल प्रयासों से संबंधित हैं तो यह है उद्योग पर्व इसका सही जवाब होगा नेक्स्ट है कुरान का पहला अध्याय क्या है तो ये सब आ जाएगा आपका संस्कृति में इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अल फतह कुरान का पहला अध्याय है उत्तर भारत में प्रयोग की जाने वाली रेगुड़ बाजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है रेगुड़ बजी तो रेगुड़ बजी बेसिकली ये कि दवा से संबंधित है नेक्स्ट है सत्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है तो ये है असम का सत्रीय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है जो भारत के आठ जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से ये एक है इसके संस्थापक श्रीमंत शंकर देव थे निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को यूरोपियो ने ब्लैक पैगोडा कहा था तो ये भी है मैंने प्रश्न बताया आपको ऑप्शन नंबर सी कुनार का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में इसी को ब्लैक पैगोडा कहा गया अगला है कि मोई मूर्तिया नामक चट्टान से बने मोनोलिथिक मानव अवशेष जिन्हें मध्यकालीन दुनिया में सात भूले हुए चमत्कारों के तहत भी गिना जाता है किस देश में स्थित है तो ये स्थित है चिली में मोई मूर्ति नामक चट्टान से बने मोनोलिथिक मानव अवशेष चिली में पाए जाते हैं कुट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है तो मिज़ोरम इसका सही जवाब होगा मिज़ोरम जब चार कुट त्यौहार मिज़ोरम में मनाया जाता है निम्नलिखित में से क्या राजस्थान में नहीं है तो नरवर किला जो है ये राजस्थान के मतलब कि निम्नलिखित में से क्या राजस्थान में नहीं है ये प्रश्न पूछा गया है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है सोरा मंदिर किस प्रदेश में है तो ये है तमिलनाडु में सूरा मंदिर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में है अगले पचास वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए कथन किसका है तो ये स्टेटमेंट दिया था स्वामी विवेकानंद ने ठीक है नेक्स्ट है ब्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है ये तो पता होगा आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ब्यास सम्मान के के बिरला फाउंडेशन द्वारा नेक्स्ट एडविन लुटियंस के सहयोग से नई दिल्ली को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो इनका साथ दिया था हर्बर्ट बेकर ने एडविन लुटियंस का राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है तो किशनगढ़ स्कूल जो है ये फेमस है चित्रकला के लिए ठीक है नेक्स्ट हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनाई गई थी तो ये बनाया था हजरत हुसैन शाह वली ने हुसैन सागर जो है ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच एक झील है जो हज़रत हुसैन शाह वाली द्वारा बनवाई गई थी नेक्स्ट निम्पोजन माई होजी बौद्ध मंदिर या आमतौर पर पीस पैगोडा या शांति स्तूप कहा जाता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था तो इसे स्थापित किया था फूजी गुरु ने फूजी गुरु नाइनटीन में महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित हुए थे और उन्होंने अपना जीवन अहिंसा के प्रचार में लगा दिया था सीडी बसीर मस्जिद कहाँ स्थित है तो यह अहमदाबाद में सीडी बसीर मस्जिद अहमदाबाद में है इसे झूलती मीनारों की मस्जिद भी कहा जाता है चौदह में इसे बनाया गया था निम्नलिखित में पंजाब का कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अमृतसर अमृतसर का पुराना नाम रामदासपुर था क्यों क्योंकि जो गुरु रामदास बने थे गुरु रामदास तो उन्होंने एक शहर बसाया था रामदासपुर बाद में वहीं बना था अमृतसर उत्तर पूर्व भारत का प्रसिद्ध ड्री त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में ढृ त्यौह अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है जो फसल कटाई के समय मनाया जाता है यह बेसिकली अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है प्रसिद्ध मुख्येश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है तो यह उड़ीसा में इसका सही जवाब होगा केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाड़ी किसका जन्म स्थान है तो यहाँ पे जन्म हुआ था आदि शंकराचार्य का आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के एर्नाकुलम जिले के कलाड़ी जिले में हुआ था तब यह चेर साम्राज्य का हिस्सा था सिखों के धार्मिक गुरु ग्रंथ साहिब ने निम्नलिखित में से जिसके भजन पाए जाते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब में जो है भजन पाया जाता है जयदेव का भी ठीक है चले बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ निम्नलिखित में क्या मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है तो द्रविड़ शैली जो है ये बेसिकली इससे विमान और शिखर का निर्माण होता है ये मंदिर निर्माण की एक शैली है मामलमपुरम का वराह मंदिर किसने बनाया था यह बनाया था सिंह विष्णु ने इसका सही जवाब होगा मामलमपुरम का वराह मंदिर भागवत गीता महाभारत के किस तो पर्व से संबंधित है तो यह सही जवाब होगा भीष्म पर्व से संबंधित है गीता महाभारत के प्राचीन भारत में पत्थर काट के बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उदाहरण कौन से हैं तो सबसे शुरुआती उदाहरण है बराबर की गुफाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं तो कुचिपुड़ी के वेदांतम सत्यनारायण कुचिपुड़ी नृत्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं प्राचीन दमिष्क सीरिया में एक स्थित विश्व धरोहर स्थल यह है तो दमिश्क जो है ये सीरिया का एक शहर है ठीक है ये सीरिया की राजधानी भी है आप बोल सकते हैं प्राचीनतम शहरों में से एक है कंबोडिया का अंकुरवाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है तो विष्णु को ये समर्पित है विश्व का सबसे बड़ा धर्मस्थल है ये बौद्ध धर्म से संबंधित देवनी मोहपुरा स्तूप किस प्रदेश में है तो ये स्थित है गुजरात में देवनो मीरा देवनी मोरा गुजरात में स्थित बौद्ध धर्मस्थल है जिसकी खुदाई 1959 में पुरातत्वविद एस एन चौधरी ने की थी निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है ये बताना है तो देखिए इसका सही जवाब होगा होगा ऑप्शन नंबर बी ये जो है सही नहीं है महामस्त का अभिषेक जो लिखा है कर्नाटक आंध्र प्रदेश ये गलत है बाकी त्यागराज महोत्सव आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ये सही है पूरम केरल ये भी सही है और तीज राजस्थान मध्य प्रदेश ये भी सही है अब देखिए महामस्तक का अभिषेक जो है ये बेसिकली एक कर्नाटक का त्यौहार है जो बारह वर्ष में एक बार होता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिंदू श्रद्धालुओं के समकालीन चार धाम हैं ये तो आपको पता होना चाहिए चार धाम कौन कौन से हैं तो चार धाम में आता है बद्रीनाथ रामेश्वरम पुरी द्वारका तो कौन सा ऑप्शन है बद्रीनाथ रामेश्वरम पुरी द्वारका ये हैं। चार धाम हैं भारत के चारों कोने पर स्थित हैं ये ठीक है ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट चारो ये चारों कोने पर स्थित हैं ये ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ पंचमहल कहाँ स्थित हैं तो पंचमहल स्थित हैं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सिकरी पंचमहल अकबर ने हवा लेने के लिए बनवाया था यह फतेहपुर सिकरी में है टावर ऑफ साइलेंस भारत के किस भारत में किस धर्म से संबंधित हैं तो ये पारसी से संबंधित है पारसी धर्म से भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 833 मंदिर 838 मतलब टोटल 838 मंदिर स्थित है वहाँ पे उस पहाड़ पे तो ये कहाँ है यह गुजरात में गुजरात के पालीताना में जैन धर्म के एक पहाड़ी पर 838 मंदिर हैं पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या नाटक है तो छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब होगा पंडवानी छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य या लोक नाटक है 1933 में पेरिस में ग्रैंड सैलून के सहयोगी के रूप में निम्नलिखित भारतीय चित्रकारों में से कौन सा चुना गया था ये चुना गया था अमृता सेरगिल को अमृता सेरगिल भारतीय चित्रकार थी उन्हें बीसवीं सदी के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में से एक माना जाता है अगला कि ढूंढी राज फालके फिल्म जगत के किस महापुरुष से संबंधित हैं तो ये संबंधित है दादा साहब फालके से दादा साहब फालके हिंदी फिल्म के संस्थापक माने जाते हैं उनका असली नाम था ढूंढी राज फालके भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी तो देखिए इसका सही जवाब होगा होगा ऑप्शन नंबर सी किसान कन्या किसान कन्या सादत हसन मोंटो द्वारा लिखित और आरदेसर ईरानी द्वारा प्रोड्यूस की गई थी ये फिल्म नाइनटीन थर्टी सेवन में बनी थी अगला कि चोरेटेन किस धर्म से संबंधित है ये बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित है उत्तर पूर्वी भारत और तिब्बत में चोरेटेन बौद्ध स्तूपों को कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है तो रत्नागिरी इसका सही जवाब होगा रत्नगिरी श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है ठीक है ये वाला कर्नाटक में है और पालीताना ये गुजरात में है खंडगिरी ये उड़ीसा में स्थित है ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है इसके मंदिर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं अगला प्रश्न है विष्णुपुर जो टेरोकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है किस प्रदेश में है तो ये बेसिकली है पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर पश्चिम बंगाल के बांकुर बांकुरा जिले में है विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल टेरोकोटा आर्मी किस देश में है तो चीन में टेराकोटा आर्मी चीन के पहले सम्राट क्वीन सी हुआंग की सेनाओं को दर्शाते हुए टेराकोटा मूर्तियों का संग्रह है प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित हैं तो यह है एलिफेंटा में एलिफेंटा में है रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव मूर्ति नेक्स्ट है भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन सत्रह उन्नीस सौ बहत्तर को कब मंजूरी दी थी तो भारत ने यूनेस्को कॉन्वेंसन 1972 को 1977 सेवें में मंजूरी दी थी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कुंभ मेला भारत में कैसे लगता है तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चार स्थानों पर प्रत्येक बारह वर्ष में अब इसी को अर्ध कुंभ कर दिया गया है कि छह वर्ष में लगेगा तो कुंभ मेला भारत में चार स्थानों पर प्रत्येक बारह वर्ष में लगता है कहाँ कहाँ लगता है आपको पता होना चाहिए तो पहला जो है वह प्रयाग प्रयाग है ये अभी प्रयाग कौन है तो वहीं इलाहाबाद जिसका नाम प्रयागराज कर दिया गया उत्तर प्रदेश में यहाँ पे बेसिकली गंगा यमुना सरस्वती का संगम है अगर दूसरे की मैं बात करूँ तो है उज्जैन ये भी बहुत फेमस है उज्जैन कहाँ है तो उज्जैन है मध्य प्रदेश में सिप्रा नदी के किनारे तीसरा यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ तीसरा जगह है उसका नाम है नासिक नासिक कहाँ है तो नासिक है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे और चौथा है जिसका नाम है हरिद्वार तो हरिद्वार कहाँ है तो यह है उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे ठीक है तो इन चारों को आप जरूर देखिए याद कर लीजिएगा चलिए नेक्स्ट है कि हेमिस गोम्पा किस क्षेत्र में है तो यह बेसिकली लद्दाख हेमिस गोम्पा लद्दाख के दक्षिण पूर्व में पैंतालीस किलोमीटर दूर है इसे हेमिस मठ भी कहा जाता है यह एक बौद्ध मठ है इसका निर्माण 1630 सौ ईस्वी में स्टेंगस रंग रासपा नवांग गायतों ने किया था अगला है दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में तैयार हो रही है तो इसका आंसर भारत हो जाएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिएगा डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे तो कर्नाटक संगीत के डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत के गायक थे उनका निधन जो है दो हजार सोलह में हो गया था नेक्स्ट है नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है तो ये महाराष्ट्र की है लावणी ठीक है नेक्स्ट है सैंडलवुड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है तो ये बेसिकली कन्नड़ सिनेमा इसका सही जवाब होगा सैंडलवुड शब्द कन्नड़ सिनेमा के लिए प्रयोग किया जाता है जैसे होता है ना बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड टॉलीवुड तेलुगु के लिए होता है तो कन्नड़ के लिए जो होता है वो सैंडलवुड होता है बॉलीवुड जो जैसे हमारे हिंदी फिल्म हो गई हॉलीवुड जो अमेरिकन फिल्म होती हैं वैसे ही सैंडलवुड होता है कन्नड़ सिनेमा के लिए एक्स्टेप पुत्र राज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है तो इसका सही जवाब होगा होगा ऑप्शन नंबर ए संगीत पुत्रा समान संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है तो देखिए सभी सही हैं ध्यान से देखिएगा तो आगा खा पैलेस पुणे में है भारत भवन भोपाल में है अकाल तख्त अमृतसर में सभी के सभी सही हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है प्रमुख घरानों के संस्थापक हैं ये इसको बताना है तो देखिए इसमें भी सभी सही हैं ग्वालियर घराना नंथन खान ने इसका संस्थापक है जयपुर घराना का अल अलादिया खान आगरा घराना का हाजी इस्लाम खान ये इस सब सही है। हैं नेक्स्ट एक कैंडिन नृत्य जो रामायण के दृश्यों को दर्शाते हुए नृत्य का एक रूप है निम्नलिखित देशों में से एक राष्ट्रीय नृत्य है तो ये श्रीलंका का है कैंडिन नृत्य जो है ये श्रीलंका का एक नृत्य है ये बेसिकली रामायण काल में इस तरह का नृत्य होता था निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूपों में की जाती है तो चिदंबरम इसका सही जवाब होगा चिदम्बरम मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है नटराज का अर्थ है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव संगीत के क्षेत्र में ताना रीरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है तो गुजरात में इसका सही जवाब होगा गुजरात का जो है वार्डनगर ताना और रीरी नामक दो बहनों के लिए प्रसिद्ध है जिन्होंने गांव देवता के पहले गायन की परंपरा को बनाए रखने के लिए अपनी जान का त्याग दिया था उन्हें अकबर के दरबार में गाने को बाध्य किया गया किंतु उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया उनकी याद में ताना रीरी पुरस्कार दिया जाता है बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्यौहार है बिहू नाम आ गया तो आपको तो पता ही होगा असम बोहाग बिहू असम के मध्य अप्रैल में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है यह बसंत ऋतु से संबंधित है इसे रोंगाली बिहू भी, भी कहा जाता है बेसिकली ये असम में नए वर्ष और वसंत के आगमन के मनाया जाता है सात दिनों तक चलता है ठीक है इसके और बहुत सारे नाम हैं इसमें चाट बिहू गोरू बिहू मनुह बिहू कुतुब बिहू ऐसे कर कर के मनाया जाता है जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है पोंगल साउथ में तो नॉर्थ में मनाया जाता है इसी को बोलते हैं मकर संक्रांति उत्तर भारत में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर ये मनाया जाता है उदार मुद्रा और तार शब्द प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं तो उदार मुद्रा और तार शब्द जो है प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार ये बेसिकली संबंधित है सैन्य विज्ञान इसका सही जवाब होगा नेक्स्ट है वैदिक दर्शन पर लंबी बहस में हार के बाद निम्नलिखित में से कौन आदि शंकराचार्य के शिष्य बन गए और बाद में सिंगेरी मठ के पहले मुखिया बन गए तो इनका नाम है मंडन मिश्र मंडन मिश्र ने आदि शंकराचार्य से मंडलेश्वर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में सशस्त्र किया था जिसमें हारने के बाद वो अपनी पत्नी सहित शंकराचार्य के शिष्य बन गए थे ठीक है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन राजाओं ने राजस्थान के ओसिया मंदिर बनवाए तो इसका सही जवाब होगा होगा ऑप्शन नंबर राजस्थान के ओसिया मंदिर प्रतिहार राजाओं ने बनवाए थे मुस्लिम तीर्थस्थल गलिया कोट किस प्रदेश में है तो ये राजस्थान में है गलिया कोट दसवीं शताब्दी में रहने वाले बाबजी मौला सैयद फखरुद्दीन के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान के डुमरूपुर जिले में स्थित हैं नेक्स्ट कि जो है भामकालप नृत्य नाटक में सिंध्वेद्र योगी द्वारा निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में कौन सा विकसित किया गया था तो कुछी पुड़ीस का सही जवाब होगा कुछी पुड़ीस जो है सिंधेंद्र योगी द्वारा विकसित किया गया था नेक्स्ट है उत्तर पूर्व क्षेत्र संस्कृति केंद्र का हेडक्वाटर कहाँ है तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा टोटल भारत में सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं ठीक है थीके? अब जिसे यहाँ पे उत्तर पूर्व क्षेत्र का पूछा है तो उत्तर पूर्व क्षेत्र का सही हो जाएगा दीमापुर अगर आपसे उत्तर मध्य पूछा जाएगा सांस्कृतिक केंद्र तो इलाहाबाद होगा उत्तरी क्षेत्र केवल पूछा जाएगा उत्तरी के क्षेत्र सांस्कृतिक कार्य केंद्र तो ये पटियाला में है पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर में है उत्तर पूर्व क्षेत्र संस्कृति केंद्र दीमापुर यहाँ पे भी मैंने बता दिया आपको पूर्वी क्षेत्र संस्कृति केंद्र कोलकाता में है दक्षिणी क्षेत्र संस्कृति केंद्र जो है ये थंजावुर में है और दक्षिण मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र नागपुर में है निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की थी तो है वारकरी संप्रदाय इसके संस्थापक संत तुकाराम ने की थी बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्राकृति किस चित्रकला से संबंधित है ये प्रश्न आता है बहुत इंपॉर्टेंट है किशनगढ़ चित्रकला बनी ठनी राजस्थान की प्रसिद्ध चित्राकृति है जो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है इसकी रचना निहाल चंद ने की इसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है सिंधे खवाप्स किस प्रदेश का त्यौहार है तो ये जम्मू कश्मीर का, का है सिंधेखावस को सिंधु दर्शन भी कहा जाता है यह दोहरेक में केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए शुरू किया गया था यह हर वर्ष मनाया जाता है ठीक है पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं तो इसका सही जवाब होगा होगा ऑप्शन नंबर डी मेवाती पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हैं और मेवाती घराने से ताल्लुक रखते हैं करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य हैं तो तमिलनाडु इसका सही जवाब होगा करगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं तो अमीर खुसरो अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे इनका जन्म कासगंज जिले के पटियाला में हुआ था उन्होंने भारतीय शास्त्रीय सा, संगीत में अरबी और फारसी का समावेश किया उन्हें ख्याल और तराना का संस्थापक माना जाता है उन्हें कव्वाली का भी संस्थापक माना जाता है नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने अग्रीवीणा ना नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी तो इसका सही जवाब होगा होगा ऑप्शन नंबर जो है बी नाजी नजरुल इस्लाम नाजी नजरुल इस्लाम एक प्रसिद्ध बंगाली कवि संगीतकार और क्रांतिकारी थे जिन्होंने फांसीवाद और उत्पीड़न के खिलाफ शक्तिशाली आध्यात्मिक विद्रोह का आह्वान करते हुए काव्य कार्यों का नेतृत्व किया था उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है और भारत में भी सम्मान दिया जाता है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है म्यूजियम जिसको बोलते हो तो ये भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है इसे बेसिकली 1878 में खोला गया था ये भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला लिखा ये भी प्रश्न आपको पता होने चाहिए आता है प्रश्न रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांगला और श्रीलंका के राष्ट्रगान श्रीलंका माता की भी रचना की तीन देशों के आपको केवल मुझे उम्मीद है कि भारत और बांग्लादेश ही पता होगा आप जान लीजिए कि श्रीलंका का भी एक जो है राष्ट्रगान मतलब कि श्रीलंका माता उसकी भी रचना इन्होंने की है केरल में विश्व नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है यह अप्रैल महीने में मनाया जाता है विशु त्यौहार चौदह अप्रैल को क्योंकि इस दिन सूर्य मेष राशि या बसंत विश्व में प्रवेश करता है खुसरी और बिहुना किस प्रदेश के लोक नृत्य हैं तो पश्चिम बंगाल के हैं इसका सही जवाब होगा निम्नलिखित में से किसने पाथिर पंचाली नामक उपन्यास लिखा जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की फिल्म बनाई थी तो पत्थर पंचाली जो है बेसिकली इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विभूति भूषण बंदोपाध्याय ठीक है इन्होंने ये उपन्यास लिखा था इसी के आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई थी मत्तूर गांव जहाँ के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं किस प्रदेश में हैं मत्तूर गांव बहुत फेमस है इसका संस्कृत लोग वहाँ आज भी बोलते हैं ये गांव है आंध्र प्रदेश में मत्तूर गांव ठीक है सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं इसका करेक्ट कर लीजिएगा मत्तूर गांव जो है ये संस्कृत बोलने वाले लोग ये हैं बेसिकली कर्नाटक में कर्नाटक के सिमोगा जिले में है ये अगला कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है तो ये गोवा में है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक ईसाई गिरजाघर है जो गोवा में है इसका निर्माण बेसिकली पंद्रह से सोलह सो के बीच हुआ था मड़ई त्यौहार किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ मड़ई त्यौहार छत्तीसगढ़ का एक त्यौहार है जो आदिवासी त्यौहार है नेक्स्ट है ज्योतिष किस राज्य का पुराना नाम है प्राग्यो ज्योतिष तो असम का असम का पुराना नाम था प्राग्यो ज्योतिष ठीक है चलिए बढ़ते अगले प्रश्नों की तरफ देखिए एक और चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे आपको अपडेट कर दो हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे प्राचीन भारत का मध्यकालीन भारत का आधुनिक भारत का जैन धर्म बौद्ध धर्म अठारह की क्रांति लगभग सभी टॉपिक हिस्ट्री के वीडियोज़ इसके अलावा ऐसे ही पॉलिटी इकोनॉमिक्स के सबके अलग अलग लिस्ट मैंने बना रखे हैं तो उनमें जाइएगा तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है तो सही जवाब होगा इसका दप्पू नृत्य जो है बेसिकली आंध्र प्रदेश का नृत्य है नेक्स्ट है सेसेर कविता निम्नलिखित में से किसकी रचना है तो ये रचना है सही जवाब होगा सिशेर से कविता नोबेल पुरस्कार विजेता कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है नेक्स्ट है मेघदूतम की रचना किसने की तो कालिदास ने मेघदूतम की मेघदूतम संस्कृत की प्रसिद्ध रचना इसकी रचना कालीदास ने की है भारतीय गायिका और नर्तकियां सारक तारोन ला तारोन लारी फ़िल्म समारोह में पारंपरिक प्रतिभागी है जो बेसिकली जो है इसका सही जवाब होगा इसमें आ जाएगा ये समरकंद जो समरकंद में द्विपक्षीय रूप से आयोजित की जाती है नेक्स्ट है भारतीय दूरदर्शा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है भारतीय दूरदर्शा तो इसके राइटर हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये इन्होंने लिखा है भारत दूरदर्शा भारत के एक महान युग प्रवर्तक लेखक थे उन्हें भारतेंदु उपाधि अठारह में दी गई थी उन्होंने मात्र पैंतीस वर्ष की उम्र में अनेक श्रेष्ठ पुस्तकें लिखी थी ठीक है नेक्स्ट है भारत के अलावा तमिल भाषा में कहाँ की आधिकारिक भाषा है तमिल भाषा जो है ये भारत की तो भाषा है ही और कहाँ की ये भाषा है तो और ये बेसिकली बोली जाती है श्रीलंका और सिंगापुर में भी ये तमिल बोली जाती है भारत के अलावा वहाँ की भी ये जो है भाषा है बल्कि ये मलेशिया में भी थोड़ा बहुत बोला जाता है माइनॉरिटी भाषा है सबरीमाला बहुत ज़्यादा ये चर्चा में होता है ये मंदिर कहाँ है किस प्रदेश में केरल में है सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ स्थान है जो केरल में पथना मथीता जिले में जो है पेरुंड ग्राम पंचायत में पश्चिमी घाट कर, पर पेरियार टाइगर रिजर्व में है नेक्स्ट गंगा सागर मेला नामक वार्षिक मेला किस प्रदेश में लगता है गंगा सागर मेला तो ये लगता है पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है जो पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में लगता है यह जनवरी में छः दिन लगता है इसमें श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करके कपिल मुनि मंदिर का दर्शन करते हैं रमन किस प्रदेश का त्यौहार है तो उत्तराखंड का रमन उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का त्यौहार है जो चमोली जिले के सलोर डुंगरा गांव में मनाया जाता है त्यौहार और नामित कलारूप गाँव देवता भूमिया देवता को एक भेंट के रूप में आयोजित किया जाता है प्रसिद्ध जो है नावाक लेबर त्यौहार किस प्रदेश से संबंधित है तो उड़ीसा से नकाब लेबर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर का त्यौहार यह बारह से उन्नीस वर्ष में एक बार आता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य मंदिर कोणार्क कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है इसे तेरहवीं शताब्दी में पूर्व गंग साम्राज्य के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था यह विश्व धरोहर में भी शामिल है कला घोड़ा नामक कला त्यौहार किस शहर से संबंधित है तो मुंबई से संबंधित है कला घोड़ा मुंबई का एक कला त्यौहार है नौ दिन का त्यौहार पूरे देश के साथ साथ दुनिया भर के हजारों आगंतुकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र यह जनवरी फरवरी के महीने में मनाया जाता है हन्नुक नामक प्रकाश का महोत्सव किस धर्म से संबंधित है तो ये संबंधित है यहूदी से हन्नुक जिसे प्रकाश का महोत्सव भी कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे बंगाल का गीता गाब्रो कहा जाता है तो इसका सही जवाब होगा होगा ऑप्शन नंबर ए सुचित्रा सेन ठीक है सुचिता सेन को बंगाल का ग्रिता गाब्रो कहा जाता है थीपूषम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है तो तमिल ठीक है थिपूषम त्यौहार हिंदू धर्म का तमिल समुदाय का त्यौहार है या तमिल समुदाय की उपस्थिति वाले देशों भारत श्रीलंका थाईलैंड मॉरिसस सिंगापुर मलेशिया म्यांमार में मनाया जाता है नेक्स्ट है फ्लेमिंगो त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो त्यौहार प्रतिवर्ष आंध्र प्रदेश में नेलोर जिले में पुलिकट झील पक्षी अभारण्य के पास मनाया जाता है नेक्स्ट वार्षिक रॉयल कैथिनो समारोह किस धर्म से संबंधित हैं तो बौद्ध से रॉयल कैथिनो समारोह बौद्ध धर्म का एक वार्षिक त्यौहार है जो थाईलैंड के बाहर किसी भी बौद्ध मंदिर में मनाया जाता है कैथीना त्यौहार एक प्राचीन बौद्ध परंपरा है जो बरसात के मौसम के दौरान ये मनाया जाता है शून्य का आविष्कार किसने किया था ये तो आपको पता ही होगा तो प्राचीन भारतीय सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान सूर्य शून्य का आविष्कार या सिस्टम अंकों के लिए स्थान मान निर्दिष्ट करके नौ अंकों और शून्य के लिए प्रतीक को सभी अभिन्न संख्याओं को इंगित करने के लिए उपयोग करता है इसका प्रयोग बहुत पहले भी किया गया था वाल्मीकि रामायण वेद में भी किया गया है इसका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में भी किया गया है इससे हम कह सकते हैं दिए गए ऑप्शन्स में से कि जो है, है इसमें इसका आंसर अज्ञात भारतीय देता है ठीक है शून्य का आविष्कार वेद समाज की स्थापना किसने की है तो वेद समाज की स्थापना जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना 1864 में किया था निम्नलिखित में से किसने मनुष्य के लिए एक धर्म एक जाति और एक भगवान का सिद्धांत दिया तो श्री नारायण गुरु ने मनुष्य के लिए एक धर्म एक जाति और एक भगवान का सिद्धांत दिया उनके एक नास्तिक शिष्य ने बदल कर मनुष्य के लिए कोई जाति नहीं कोई धर्म नहीं कोई भगवान नहीं जो है कर दिया था अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र समग्र या इंडो इस्लामी मूल में है ये बताना है तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एक तीन चार इसमें आ जाएगा यानी कि सितार तबला और सारंगी ये सभी के सभी समग्र इंडो इस्लामी मूल में है नेक्स्ट महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की तो ध्यानेश्वर इसका सही जवाब होगा वारकरी संप्रदाय की स्थापना कर्नाटक में मानी जाती है उसके बाद वे महाराष्ट्र में चले गए इसकी स्थापना ध्यानेश्वर द्वारा मानी जाती है निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का कार्य करते थे तो ये थे रैदास एक श्रेष्ठ संत थे वो मोची का कार्य करते थे भगवान मनुष्य के गुणों को जानता है उनकी उसकी जाति की जांच नहीं करता अगले विश्व में कोई जाति नहीं है यह किसका शिक्षा था तो ये कहा था जो है गुरु नानक ने ये कहा था नेक्स्ट मस्जिद बनाने में कौन सी भारतीय कला का प्रयोग किया गया तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी एक दो तीन ये सभी शामिल है कमल कलश अलंकरण ये तीनों कला यूज किया गया था मस्जिद बनाने में निम्नलिखित में, में से किस मुस्लिम विद्वान ने एक दशक तक संस्कृत और ज्योतिषी का वाराणसी में अध्ययन किया तो इनका नाम है अलबरूनी अलबरूनी एक दशक तक एक दशक का मतलब होता है दस वर्ष तक संस्कृत और ज्योतिषी का वाराणसी में अध्ययन किया इनमें से कौन से आमिर खुसरो की किताबें हैं तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एक तीन चार कि किरान ए, उस सादेन और मफ्तालफतुह और नूह सिपीर इसका सही जवाब होगा ठीक है और जो ये तहक़ीक हिंद है ये अलबरूनी की रचना है किताब उर रेहला की रचना किसने की तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता ने इब्न बतूता एक मरक्को यात्री था उसकी पुस्तक किताब उर रहला तुगलक काल के इतिहास का एक स्रोत है निम्नलिखित में कौन से मंदिर में पंचायत तरीके का सबसे पुराना उदाहरण है तो यह देवगढ़ के दशावतार मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर विष्णु मंदिर का गुप्त काल का एक मंदिर है यह गुप्त काल तीन सौ बीस ईस्ब ईस्वी से छः सौ ईस्वी तक बनाया गया था यह पंचायतन शैली का सबसे पुराना नमूना है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है तो विमान इसका सही जवाब होगा विमान द्रविड़ वास्तुकला का एक नमूना है यह मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक टावरनुमा रचना है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की पुस्तकें हैं तो कालीदास की पुस्तकें हैं इसमें देखिए इसका सही जवाब होगा ए रितु शनहार भी हैं मेघदूत भी हैं और कुमार संभव भी हैं यानी कि एक दो चार ऑप्शन नंबर डी ठीक है और ये जो बुक है ना दस कुमार शरितम ये दंडी द्वारा लिखी हुई संस्कृत की गद्य पुस्तक है या दंडी की पहली गद्य रचना मानी जाती है निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है नटराज नटराज की मूर्ति चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है इसका अर्थ है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनाए गए थे तो पल्लव के द्वारा महाबलीपुरम के पैगोडा मंदिर पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाए गए थे इसमें सात रथ रथ पैगोडा का मतलब रथ होता है तो इसमें सात रथ हैं पाली भाषा में नटपुत किसे कहा गया है तो ये कहा गया है महावीर को पाली भाषा में नटपुत महावीर स्वामी को कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्या जो है व्याकरणीकरण ग्रंथ है तो इसका नाम है तोलकापियम तोलकापियम तमिल व्याकरण का ग्रंथ है यह द्वितीय संगमयुग का ग्रंथ है यह अगस्त ऋषि के सदस्य तोलकापियर द्वारा लिखा गया था नेक्स्ट कौन सा वेद आधा गद्य और आधा कव्य है ये भी प्रश्न आता है बहुत बार तो ये है यजुर्वेद आधा गद्य और आधा श्लोक में ये लिखा गया है यह यज्ञ से संबंधित वेद है कलहन की राज तरंगणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी ती बारहवीं शताब्दी में हुआ था राज तरंगणी की रचना काश्मीरी ब्राह्मण कवि कलहन द्वारा की गया किया गया था यह काश्मीर और उत्त, उत्तर उत्तर पश्चिम भारत के इतिहास पर प्रकाश डालती है निम्नलिखित लेखकों में से कौन से संत समकालीन समाज की बुराइयों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं इनका नाम है छेमेंद्र छेमेंद्र जो है कश्मीर के प्रतिभा संपन्न कवि थे वे कश्मीरी ब्राह्मण थे और संस्कृत के कवि थे उन्होंने अपनी रचनाओं कला विलास नर्म माला में समाज की बुराइयों और भ्रष्ट तंत्र को उजागर किया है वो संस्कृत में परिहास कथा के धनी थे नेक्स्ट है बल्लभी काल किस काल को कहा जाता है तो बल्लभी काल को जो है ना ये गुप्त काल को ही कहा जाता है ठीक है पशुपतिनाथ पंथ के अनुसार शिव पशु के देवता हैं यह पशु का आशय किससे हैं तो पशु कहने का मतलब है जीव पशुपतिनाथ एक शैव पंथ है इसमें महादेव को सभी जीवों का देवता कहा गया है चलिए अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सूरा का प्रयोग किया जाता था तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सौत्रा सौत्रामी यज्ञ पहले असुरों द्वारा किया जाता था जो बाद में देवताओं द्वारा किया जाने लगा इसमें प्रमुख यज्ञ सामग्री सूरा थी ऋग्वेद के अनुसार युद्ध किस नदी पर हुआ था तो उस नाम का नदी का नाम है परुष्णी ऋग्वेद के अनुसार युद्ध भरत भरतजन के राजा सुदास और दस राजाओं पुरा यदु तुर्वासा अनु दुह अलीना पख्ता भलाना बिश्निन के समूह के बीच हुआ था इसी युद्ध में सुदास की विजय हुई यह परुष्णी नदी के किनारे हुआ था जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था तो बिसनदास को जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है बिसनदास उसके समय चित्रकार था जिसे जहांगीर ने सोलह सौ तेरह में फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए फारस भेजा था ठीक है वह इतना सफल हुआ कि 1620 तक और उपहार और हाथी लेकर वहाँ से लौटा था इसको सही काल करना है चिश्ती संतों को व्यवस्थित करना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है तो सबसे पहले इसमें जो है आए सही जवाबों हो का होगा मतलब कि बाबा फरीद गंज शंकर उसके बाद शेख निज़ामुद्दीन औलिया फिर शेख नासरुद्दीन चिरागे दिल्ली और उसके बाद सैयद मोहम्मद जिसादुरा जिसका सही जवाब होगा तीन एक चार दो वेदों का प्रमुख टीकाकरण सैन किस साम्राज्य से जुड़ा था तो विजयनगर साम्राज्य से वेदों का टीकाकरण सैन विजयनगर साम्राज्य से था उसके कार्यों का संपादन मैक्स मूलर ने किया था वह बुक्का प्रथम और हरिहर द्वितीय हर के काल में था निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित नहीं है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से जो होगा कैलाशनाथ ठीक है देखिए बृहदेश्वर जो मंदिर है ये तंजौर में है जो चोल राजा राजा राम प्रथम ने बनवाया था और ये जो है ना कोरंगनाथ मंदिर ये श्रीनिवास निवासन लूर में है जो परांतक चोल ने बनवाया था कैलाशनाथ मंदिर की बात करें तो तमिलनाडु के कांचीपुरम में है जो पल्लव राजा ने नरसिंह वर्मन ने बनवाया था और एरावातेश्वर मंदिर दरसुराम में है जो राजा राज चोल द्वितीय ने बनवाया था विष्णु के अवतारों में से कला में महासागर से पृथ्वी को लाने के रूप में दर्शाया गया है वह कौन सा अवतार है तो अवतार है वराह वराह अवतार विष्णु भगवान के दस अवतारों में तीसरा अवतार है उन्होंने पृथ्वी की जो है हृणाक्ष्य नामक राक्षस से रक्षा की थी निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं तो मैत्रेय है, इसका सही जवाब होगा महायान बौद्ध पंथ के अनुसार मैत्रेय भविष्य के बुद्ध हैं जब विश्व के लोग धर्म को भूल चुके होंगे तब मैत्रेय बुद्ध लोगों को धर्म की शिक्षा देंगे संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है तो ये संबंधित है जैन धर्म से संथारा उपवास से स्वैच्छिक मौत की जैन धार्मिक अनुष्ठान है ठीक है इच्छा मृत्यु जिसको बोलते हैं और ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं हमेशा होमवर्क छोड़ता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक और शेयर करिएगा और हिस्ट्री के प्ले में जाके सभी वीडियोज़ को देखिए एनिसंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री मेडियबल हिस्ट्री सब टॉपिक वाइज मैंने बना रखे हैं सभी प्ले मैंने अपडेट कर दी है उन सभी को देख सकते हैं ये प्रश्न आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से किस राजा के निधन पर कवि ने आद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती इस प्रकार की कविता से शोक प्रकट किया था आपके पास ऑप्शन है नागभट प्रथम मिरभूस अशोक और भोज परमार ठीक है तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल बटन को दबा लीजिएगा और पीछे की सभी वीडियोस को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियोस पढ़ें हैं जो आपके आने वाले सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में हेल्प करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय